हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। आज के सेशन में हम 100 मोस्ट रिपीटेड एनोनिम्स को कवर करने वाले हैं ब्लैक बुक से। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है 100 मोस्ट रिपीटेड एनोनिम्स। ये वर्ड्स हैं, ये उसके एनोनिम्स हैं और ये सारे मीनिंग्स हैं। फर्स्ट ये देख सकते हैं आप, 8 बार ये रिपीट हुआ है, ये 6 बार। तो ये सारे रिपीटेड दिए हुए हैं कि कितने बार कौन से वर्ड एनोनिम रिपीट हुए हैं। फर्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुतापूर्ण। अब हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण होता है, तो इसका विलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मित्रतापूर्ण, दोस्ताना। तो बस इसका इंग्लिश कर लीजिए एमिएबल, फ्रेंडली। यानी हॉस्टाइल का एनोनिम्स हो जाएगा एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, जेंटल यानी दोस्ताना, सहानुभूति, कोमल। नेक्स्ट एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है अभिमानी। एरोगेंट का एनोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्ट, हम्बल, ह्यूमिलिटी। अभिमानी का उल्टा विनम्र, मॉडेस्ट, हम्बल, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट अडेमेंट। अडेमेंट मतलब होता है अटल। अडेमेंट का एनोनिम्स हो जाएगा लचीला, नर्म यानी इल्डिंग, ड्यूलेबल, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट एगोनी। एगोनी मतलब होता है कष्ट। कष्ट का विलोम हो जाएगा आनंद, आराम यानी प्लेजर, एक्सटेसी, डिलाइट, कम्फर्ट, आनंद, उत्साह, आराम। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला। फ्लेक्सिबल का एनोनिम होगा कठोर यानी रिजिड, स्टिफ। नेक्स्ट स्टैंगी मतलब कंजूस। स्टैंगी का एनोनिम्स हो जाएगा जेनरस, एक्स्ट्राविजेंट मतलब उदार, फिजूल खर्चीला। नेक्स्ट वैनिटी। वैनिटी मतलब होता है घमंड। वैनिटी का एनोनिम हो जाएगा नम्रताशील यानी मॉडेस्ट, ह्यूमिलिटी। वैनिटी का एनोनिम्स मॉडेस्ट, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट एक्वाइट। एक्वाइट मतलब होता है बरी करना। एक्वाइट का एनोनिम्स हो जाएगा कंडेम, कन्विक्ट, ब्लेम यानी आक्षेप लगाना। ये 4 बार रिपीट हो चुके हैं, आक्षेप लगाना। नेक्स्ट एफर्म। एफर्म मतलब होता है स्वीकार करना। एफर्म का एनोनिम्स हो जाएगा रिफ्यूज, डिसएग्री, डिनाइल मतलब मना करना। स्वीकार का उल्टा मना करना, असहमत होना। नेक्स्ट एम्बिगस। एम्बिगस मतलब होता है अस्पष्ट। एम्बिगस, एम्बिगस मीन्स अस्पष्ट। तो इसका विलोम हो जाएगा स्पष्ट यानी क्लियर, प्रिसाइज। एरिड। एरिड मतलब बंजर। एरिड का एनोनिम्स क्या हो जाएगा, गीला यानी वेट, फर्टाइल, गीला, उपजाऊ। नेक्स्ट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वराज्य। ऑटोनॉमी का एनोनिम्स हो जाएगा डिपेंडेंस यानी निर्भरता। स्वराज्य का उल्टा निर्भरता। नेक्स्ट कॉलस। कॉलस मतलब होता है कठोर। कठोर का उल्टा क्या हो जाएगा, सहानुभूति, चिंतित यानी सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, कंसर्न्ड, संवेदनशील, सहानुभूति, चिंतित। ये कठोर का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट डोरमेंट। डोरमेंट मतलब होता है निष्क्रिय। डोरमेंट मीन्स निष्क्रिय। डोरमेंट का एनोनिम्स हो जाएगा सक्रिय यानी एक्टिव। नेक्स्ट हार्श। हार्श मतलब कठोर। कठोर का अपोजिट जेंटल, लेनिएंट यानी कोमल, नरम। नेक्स्ट इनक्वाइजिटिव। इनक्वाइजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु। इसका एनोनिम्स हो जाएगा बेपरवाह, उदासीन यानी इनडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, इग्नोर। नेक्स्ट प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब होता है गहन। गहन का अपोजिट वर्ड हो जाएगा अज्ञानी यानी सुपरफिशियल, इग्नोरेंट। इसका मतलब सतही, अज्ञानी। नेक्स्ट रैपिड। रैपिड मतलब तीव्र। रैपिड का अपोजिट एनोनिम्स स्लो मतलब धीरे। नेक्स्ट वर्ड रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक का अपोजिट क्या हो जाएगा, इच्छुक यानी इगर, वाइलिंग मतलब तैयार, इच्छुक। नेक्स्ट रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब होता है प्रतिकार, अप्रिय। रिपल्सिव का एनोनिम्स हो जाएगा अट्रैक्टिव, प्लीजिंग यानी आकर्षक, मनभावन। शैलो। शैलो मतलब उथला। शैलो का अपोजिट गहरा यानी डीप। नेक्स्ट स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर। स्टेशनरी का अपोजिट हो जाएगा एनोनिम्स मूविंग, शिफ्टिंग, अनस्टेडी मतलब गतिशील, सरकाना, अस्थिर। वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है गुण। गुण का अपोजिट क्या हो जाएगा, बुराई यानी वाइज। नेक्स्ट एम्पल। एम्पल मीन्स प्रचुर,
प्रचुर का अपोजिट अल्प मतलब मैग्री. नेक्स्ट एप्लॉड. एप्लॉड मीन्स होता है सराहना. एप्लॉड का एरोनिम्स हो जाएगा निंदा करना यानी डिनाउंस, क्रिटिसाइज, सेंसर. नेक्स्ट अट्रैक्ट. अट्रैक्ट मतलब आकर्षित. अट्रैक्ट का एरोनिम्स हो जाएगा रिपेल यानी पीछे हटाना. नेक्स्ट कंपल्सरी. कंपल्सरी मतलब होता है अनिवार्य. अनिवार्य का अपोजिट हो जाएगा ऐच्छिक यानी ऑप्शनल. कॉनकर मतलब होता है सहमत होना. सहमत का उल्टा असहमत होना यानी डिसएग्री. नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सियल यानी विवादास्पद. कॉन्ट्रोवर्सियल का एनोनिम्स हो जाएगा अनडिस्प्यूटेड, इनडिस्प्यूटेबल. एग्रीमेंट यानी निर्विवाद, समझौता. नेक्स्ट डिनाउंस. डिनाउंस मतलब होता है आरोप लगाना. डिनाउंस का एनोनिम्स हो जाएगा प्रेज. कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना. नेक्स्ट डेंस. डेंस मतलब होता है सघन. सघन का अपोजिट विरल यानी स्पर्स. डिटेस्ट. डिटेस्ट मतलब होता है घृणा करना. डिटेस्ट का अपोजिट मतलब लाइक करना, एडोर करना, पसंद करना. नेक्स्ट डिस्टेंट. डिस्टेंट मतलब होता है दूर. दूर का मतलब पास. अपोजिट पास यानी क्लोज. नेक्स्ट डाइवल्ग मतलब भेद खोलना. डाइवल्ग का एनोनिम्स हो जाएगा कंसील, हाइड मतलब छिपाना. नेक्स्ट एविडेंट. एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष. एविडेंट का एनोनिम्स हो जाएगा ऑब्सक्योर, डाउटफुल यानी अस्पष्ट, संदिग्ध. एक्सपेंड. एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार. एक्सपेंड का एनोनिम्स हो जाएगा सिकुड़ यानी कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक. नेक्स्ट फर्टाइल. फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ. उपजाऊ का अपोजिट क्या हो जाएगा बंजर यानी बैरेन. नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोटेस्क्यू. ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है विकृत, कुरूप. विकृत और कुरूप का अपोजिट होता है सादा, आकर्षक. एनोनिम्स हो जाएगा अट्रैक्टिव, नेचुरल, प्लेन. ग्रोटेस्क्यू का एनोनिम्स अट्रैक्टिव, नेचुरल, प्लेन. नेक्स्ट ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता. ह्यूमिलिटी का एनोनिम्स हो जाएगा प्राइड, एरोगेंस, वैनिटी मतलब अभिमान, अहंकार. नेक्स्ट इमैकुलेट. इमैकुलेट मतलब होता है बेदाग. इमैकुलेट का एनोनिम्स हो जाएगा फिल्थी, मैसी, फाउल यानी गंदा, बेईमानी से. इम्पेडी. इम्पेडी मतलब होता है बाधा डालना. इम्पेडी का एनोनिम्स हो जाएगा प्रगति करना यानी एक्सपेंडेड, एडवांस, फैसिलिटेट. नेक्स्ट इम्प्रोम्प्टू. इम्प्रोम्प्टू मतलब होता है बिना पहले सोचे हुए. इसका एनोनिम्स हो जाएगा तैयार होना या फिर पूर्व निर्धारित रहना. तो एनोनिम्स क्या हो जाएगा प्रीमेडिटेटेड, प्रिपेयर, प्लान्ड. नेक्स्ट इनसाइट. इनसाइट मतलब उत्तेजित करना. इनसाइट का एनोनिम्स हो जाएगा प्रोहिबिट, डिस्करेज, रिस्ट्रेन यानी हतोत्साहित करना. हतोत्साहित करना. नेक्स्ट इंटेंशनल. इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझकर. एनोनिम्स हो जाएगा एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक, अचानक से. मिजरेबल. मिजरेबल मतलब दुखी. एनोनिम्स क्या हो जाएगा हैप्पी, चीयरफुल, जॉय. ओपैक्यू. ओपैक्यू मीन्स होता है अपारदर्शक. ओपैक्यू का एनोनिम्स हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, क्लियर यानी पारदर्शक, स्पष्ट. तीन बार ये सारे जो है रिपीट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं. ओवर्ट. ओवर्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष. ओवर्ट का एनोनिम्स क्या हो जाएगा छिपा हुआ यानी हिडन, कंसील्ड. रिविल मतलब होता है प्रकट करना. रिविल का एनोनिम्स हो जाएगा हाइड, कंसील यानी छिपाना. स्पेर्स मतलब होता है विरल. स्पेर्स का एनोनिम्स हो जाएगा एबंडेंट, डेंस मतलब सघन. नेक्स्ट स्क्वेंडर. स्क्वेंडर मतलब होता है फिजूल खर्ची, धन लुटाना. तो इसका एनोनिम्स क्या हो जाएगा कंजूसी, इकट्ठा, बचतिया. एनोनिम्स क्या हो जाएगा स्किम्प, होड, सेविंग. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत. ट्रेडिशनल का एनोनिम्स क्या हो जाएगा अनयूजुअल, मॉडर्न यानी असामान्य, आधुनिक. नेक्स्ट ट्रिचरस. ट्रिचरस मतलब होता है नमक हराम. ट्रिचरस का एनोनिम्स क्या हो जाएगा फेथफुल यानी वफादार. असब. असब मतलब होता है हड़पना. असब का एनोनिम्स क्या हो जाएगा रीस्टोर, सरेंडर, रिलीज यानी पुनर्स्थापित, आत्मसमर्पण, त्यागना. नेक्स्ट वर्ड इज विजनरी. विजनरी मीन्स होता है काल्पनिक. विजनरी का एनोनिम्स क्या हो जाएगा यथार्थवादी यानी प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक.
प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्ट, प्रैग्मेटिक. नेक्स्ट, एबंडेंस. एबंडेंस मीन्स प्रचुरता. एबंडेंस का अपोजिट कमी यानी स्कार्सिटी. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना. एक्सेप्ट का अपोजिट रिजेक्ट. एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब जमा करना. जमा करने का अपोजिट बिखेरना यानी डिस्पर्स, स्क्वेंडर्ड. नेक्स्ट, एक्यूसेशन. एक्यूसेशन मतलब होता है आरोप लगाना. एक्यूसेशन का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सकल्पेशन. डिफेंड यानी सफाई देना, बचाना. नेक्स्ट, एक्नॉलेज. एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना. स्वीकार करना का अपोजिट मना करना यानी डिनाई, डिक्लाइन. नेक्स्ट, एफ्लिक्शन. एफ्लिक्शन मतलब यातना. एफ्लिक्शन का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लेजर यानी आनंद. नेक्स्ट वर्ड इज एगिटेट. एगिटेट मतलब होता है उत्तेजित करना. एगिटेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? पैसिफी, काम यानी शांत करना. एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मतलब समझौता करना. एग्रीमेंट का एनोनिम्स डिस्कॉर्ड यानी अनबन करना. अलाइन. अलाइन मतलब विदेशी. अलाइन का अपोजिट नेटिव यानी देशी. एनिमोसिटी. एनिमोसिटी मतलब होता है बैर. एनिमोसिटी का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? बेनिवोलेंस, लव यानी परोपकार. एंटिक यानी प्राचीन. एंटिक का अपोजिट क्या होगा? रिसेंट, मॉडर्न या मतलब हाल का, आधुनिक. अपेलिंग. अपेलिंग मतलब डरावना. अपेलिंग का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंसोलिंग. अपीयलिंग यानी सांत्वना, अपील. नेक्स्ट, अपॉइंट. अपॉइंट मतलब नियुक्त करना. डिसमिस मतलब खारिज करना. अपॉइंट का एनोनिम्स डिसमिस. नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट. एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त. एप्रोप्रिएट का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनसुटेबल यानी अनुपयुक्त. एसेंट. एसेंट मतलब चढ़ाव. एसेंट का एनोनिम्स डिसेंट यानी गिराव. असेंबल. असेंबल मीन्स इकट्ठा करना. असेंबल का अपोजिट डिस्पर्स, स्कैटर यानी बिखेरना. नेक्स्ट, अवेक. अवेक मीन्स जागना. अवेक का एनोनिम्स एस्लिप, हिप्नोटाइज्ड यानी सोना, सम्मोहित. नेक्स्ट, बेट्रियल. बेट्रियल मतलब होता है विश्वासघात. बेट्रियल का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? लॉयल्टी, स्टैंड बाय यानी स्वामी भक्ति. नेक्स्ट, बिजार. बिजार मतलब विचित्र. बिजारे का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? यूजुअल, ऑर्डिनरी मतलब साधारण. ब्लेस. ब्लेस मतलब आशीर्वाद. ब्लेस का एनोनिम्स कर्स यानी अभिशाप. बोल्ड. बोल्ड मीन्स साहसिक. बोल्ड का एनोनिम्स टिमिड यानी डरपोक. नेक्स्ट वर्ड, ब्रेजिन. ब्रेजिन मीन्स बेशर्म. ब्रेजिन का एनोनिम्स मॉडेस्ट यानी विनर्म. कैलो. कैलो मीन्स अनुभवहीन. कैलो का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? सोफिस्टिकेटेड यानी जटिल. नेक्स्ट, कैप्टिवेट. कैप्टिवेट मीन्स मंत्रमुग्ध होना. कैप्टिवेट का एनोनिम्स हो जाएगा डिस्ट्रैक्ट, डिसिल्यूजन मतलब विचलित, मोहभंग. नेक्स्ट, कैप्टिविटी. कैप्टिविटी मीन्स कैद. कैप्टिविटी का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? लाइबर्टी, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता. कॉशस मतलब सतर्क. कॉशस का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? नेग्लिगेंट, रेकलेस मतलब लापरवाह. नेक्स्ट, कोहरेंट. कोहरेंट मतलब होता है सुसंगत. कोहरेंट का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसऑर्गेनाइज्ड, इलॉजिकल मतलब अव्यवस्थित, अतार्किक. नेक्स्ट, कॉम्बैटिव. कॉम्बैटिव मीन्स लड़ाकू. कॉम्बैटिव का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? शांतिपूर्ण यानी पीसफुल. कॉम्प्लाई. कॉम्प्लाई मतलब होता है आज्ञा पालन करना. अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोज, चैलेंज या मतलब आपत्ति करना. नेक्स्ट, कन्फर्म. कन्फर्म मतलब अनुरूप. अनुरूप का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिफर, डेविएशन मतलब अलग, विचलन. नेक्स्ट, कन्फ्रंट. कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना. कन्फ्रंट का एनोनिम्स क्या होगा? अवॉइड मतलब टालना. क्रूक्ड. क्रूक्ड मतलब मुड़ा हुआ. क्रूक्ड का एनोनिम्स स्ट्रेट मतलब सीधा. क्रिशियल. क्रिशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण. एनोनिम्स होगा ट्रिवियल मतलब तुक्ष. कब. कब मतलब होता है नियंत्रण. कब. यहाँ पे आर बिल्कुल साइलेंट है. कब. कब मतलब नियंत्रण. एनोनिम्स क्या हो जाएगा? अलाउ, फ्रीडम मतलब अनुमति, आज़ादी. डिसीट. डिसीट मतलब छल. डिसीट के एनोनिम्स क्या होगा? ऑनेस्टी, प्लेन मतलब ईमानदारी, निष्कपट. डेफिसिट मतलब अभाव. डेफिसिट का एनोनिम्स होगा एबंडेंस, सरप्लस.
एबंडेंस सरप्लस मतलब प्रचुरता, अभाव का अपोजिट प्रचुरता, बहुत मात्रा में. नेक्स्ट डिपॉट, डिपॉट मतलब होता है निकाल देना, डिपॉट का अपोजिट परमिट मतलब अनुमति देना. डिसेंट, डिसेंट मतलब उतार, एसेंट मतलब चढ़ाओ, अपोजिट हो जाएगा चढ़ाओ. नेक्स्ट डिस्क्रेशन मतलब अपवित्रीकरण, डिस्क्रेशन मतलब अपवित्रीकरण, अपोजिट क्या हो जाएगा अपवित्रीकरण, या मन्नत मतलब कॉन्स्क्रेशन वेनरेशन. नेक्स्ट डिसडेन, डिसडेन मतलब तिरस्कार, डिसडेन का एनोनिम्स हो जाएगा एडमिरेशन फेवर मतलब प्रशंसा एहसान. नेक्स्ट डायनेमिक, डायनेमिक मींस होता है गतिशील, डायनेमिक का एनोनिम्स क्या होगा स्टैटिक मतलब स्थिर. एलिगेंस, एलिगेंस मींस होता है शिष्टता, एलिगेंस मींस शिष्टता, एलिगेंस का एनोनिम्स क्या हो जाएगा वल्गैरिटी ग्रेसलेसनेस मतलब असभ्यता बेहयाई. नेक्स्ट एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मींस होता है सामान्य, एलिमेंट्री का एनोनिम्स क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल. नेक्स्ट इमेसिएटेड, इमेसिएटेड मतलब निर्बल, इमेसिएटेड का एनोनिम्स क्या हो जाएगा अपोजिट फैट हेल्दी मतलब स्वस्थ. नेक्स्ट इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, एनोनिम्स क्या हो जाएगा बॉन्डेज मतलब गुलामी, मुक्ति का अपोजिट गुलामी यानी बॉन्डेज. नेक्स्ट एमर्ज, एमर्ज मतलब होता है उभरना, उभरने का अपोजिट क्या हो जाएगा गायब होना यानी डिसअपियर. तो इसके साथ ही हमारे 100 मोस्ट रिपीटेड एनोनिम्स भी ख़त्म होते हैं. इससे पहले मैंने 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स को भी कवर किया है, उसको भी जाकर के अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, इसको लाइक करिए शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय.